ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं कमला तिवारी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे चैनल धर्म एक आस्था में। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए, ताकि हमारे चैनल से जुड़े हुए सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरतालिका तीज 2023 की तिथि को लेकर, हरतालिका तीज के महत्व के विषय में, पूजा के शुभ मुहूर्त और व्रत के नियमों को लेकर। दोस्तों हरतालिका व्रत को हरतालिका तीज या तीजा भी कहते हैं। यह व्रत भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र के दिन होता है। इस व्रत को कुमारी कन्याएं और सुहागिन स्त्रियां दोनों कर सकती हैं। इस दिन कुमारी कन्याएं और सौभाग्यशाली स्त्रियां माता गौरी और भगवान शंकर की पूजा करती हैं। दोस्तों यह व्रत करवा चौथ के व्रत से भी ज़्यादा कठिन माना जाता है, क्योंकि करवा चौथ के व्रत में चांद देखने के बाद व्रत को तोड़ दिया जाता है। वहीं इस दिन पूरे दिन निर्जला व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजा के पश्चात ही पारण किया जाता है। इस व्रत के पीछे एक मान्यता जुड़ी है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को प्राप्त होती हैं। दोस्तों सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य को अखंड रखने के लिए और अविवाहित स्त्रियां मन के मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। सर्वप्रथम इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शंकर के लिए रखा था। इस दिन माता पार्वती की और भगवान शंकर की पूजा की जाती है। दोस्तों आइए जानते हैं हरतालिका तीज 2023 की तिथि को। दोस्तों इस बार हरियाली तीज 19 अगस्त को मनाई जा रही है और ठीक एक महीने बाद हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। तृतीया तिथि की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को सुबह 11:08 से आरंभ होगी और सितंबर 2023 को दोपहर 12:32 पर समाप्त होगी। दोस्तों आइए जानते हैं हरतालिका तीज की पूजा के शुभ मुहूर्त को। दोस्तों हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त आरंभ होगा सुबह 6:07 से और इसका समापन होगा सुबह 8:34 तक। इस प्रकार भक्तों के पास 2 घंटे और 27 मिनट की अवधि होगी पूजा के लिए। यदि कोई व्यक्ति सुबह के समय विधि विधान से पूजा नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति में आप तीजा की पूजा प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय तीजा की पूजा के लिए उत्तम माना गया है। दोस्तों आइए जानते हैं हरतालिका तीज के पीछे छुपी पौराणिक कथा को। दोस्तों माता पार्वती ने भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए घोर वन में कठिन तप किया व मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की, जिससे भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए। बाद में राजा हिमालय ने भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह कराया। माता ने जब यह व्रत किया था तब भाद्रपद की तीज तिथि थी, वह हस्त नक्षत्र था। दोस्तों उसी दिन से जब भी भाद्रपद में तृतीया तिथि पड़ती है, वह हस्त नक्षत्र का योग बनता है, तब हरतालिका तीज मनाई जाती है। दोस्तों आइए जानते हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि को। दोस्तों इस दिन स्त्रियां सूर्योदय से पहले ही उठ जाएं, नहा धोकर साफ वस्त्र धारण करें, पूरा श्रृंगार करें। पूजा के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर माता पार्वती और भगवान शंकर की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। दोस्तों हरतालिका तीज में मिट्टी के भगवान शिव और मिट्टी की माता पार्वती की प्रतिमा की पूजा की जाती है। इसके बाद लाल आसन पर माता पार्वती और भगवान शंकर को स्थापित करें। भगवान शंकर को पीले वस्त्र और माता पार्वती को लाल वस्त्र पहनाएं। इसके बाद सुहाग का सारा सामान माता पार्वती को अर्पित करें। विधि विधान के साथ माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें, आरती करें, रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। दोस्तों रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और माता पार्वती और भगवान शंकर की विवाह की कथा सुनी जाती है। दोस्तों एक विशेष बात मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। माता पार्वती को अर्पित किया गया सिंदूर सुहागिन महिलाएं प्रसाद रूप यदि अपनी मांग में लगाती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
दोस्तों आइए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत के नियमों को। दोस्तों हरतालिका तीज का व्रत बड़ा ही उत्तम और बड़ा ही कठिन माना गया है, इसलिए दोस्तों ध्यान रहे आपसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। दोस्तों आइए जानते हैं व्रत के नियमों को। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है। हरतालिका तीज के व्रत में पानी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति एक बार हरतालिका तीज का व्रत करता है तो इसे बीच में छोड़ नहीं सकते, इस व्रत को जीवन पर्यंत निभाना पड़ता है। दोस्तों अगर सूतक लगने से या मासिक धर्म के कारण महिलाएं पूजा नहीं कर पाती हैं तो दूर बैठकर कथा सुन सकती हैं और व्रत भी कर सकती हैं। दोस्तों हरतालिका तीज पर रात में जागकर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए। हरतालिका तीज के व्रत के दौरान महिलाओं को क्रोध करने से बचना चाहिए, साथ ही दूसरों के प्रति द्वेष की भावना को नहीं रखना चाहिए। जिस घर में महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत करती हैं वहां मांस मदिरा का सेवन वर्जित है, साथ ही परिवार के लोगों को भी तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखिए। इस प्रकार की और जानकारी हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।